ए छोटू किधर? टाइम देख, टाइम क्या हो रहा है? ये चड्डा ऊपर कर, जा लग जा काम पे। क्या यार मालिक, मालिक धन्य हो जो पधारे। तेरे बाप का ढाबा नहीं है ये, जो जब चाहे मुंह उठा के चले आए। टाइम क्या है तेरा? अरे टाइम क्या है तेरा? 10 बजे का टाइम है और अभी टाइम देख, 1 बज रही है। जी मालिक, गलती मेरी नहीं मालिक, वो आज ना मेरी बस छूट गई मालिक, रास्ते में आ रहा था मैं तो, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम पक्का टाइम पर आऊंगा मालिक, टाइम पर आऊंगा। और टाइम से क्या, मैं तो आधा घंटा पहले ही आ जाऊंगा मालिक। अबे साले, मेरे चेहरे पे क्या चूतिया लिखा है? जो तू कहानियां बनाएगा और मैं सुन लूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं कोई कहानियां नहीं बना रहा हूँ मालिक, सच में वो मेरी बस छूट गई थी मालिक। चुप चुप साला, जीवन लड़ा था तेरा तो आज हाफड़े लगाऊंगा मैं। नहीं मालिक। मैनेजर, सैलरी काट इसकी। जी मालिक। करना हो तो कर, ये तो इसका हिसाब कर और निकाल यहां से इसको। नहीं 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 मालिक, मेरे को काम पे से मत निकालो। आप आधे दिन की नहीं पूरे दिन की काट लो, लेकिन काम पे से मत निकालो मालिक। चल निकल यहां से, काम कर। और खाने में क्या लेंगे आप? जी सर बताइए। देर से कॉल कर रही हूँ, ना कॉल उठा रहे हो ना मैसेज कर रहे हो। मैं कॉल करने ही वाला था आपको, पता है, लेकिन आपको ही पता है ना, मैं यहाँ होटल का मैनेजर हूँ तो मुझे सारे अरेंजमेंट करना पड़ते हैं। वो क्या है ना कि आज हमारे होटल में ना बाहर से गेस्ट आए। पर तुम मुझे बताओ, सारा दिन बिजी रहते हो, मुझे जरा भी टाइम नहीं देते हो। क्या मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूँ? मुझे भी काम रहते हैं बाबा, कितने सारा काम छोड़कर मैं आपसे बात कर रही हूँ, हालचाल पूछने के लिए आपको कॉल करती हूँ, पर पता नहीं आप तो मुझे क्या ही समझते हो। नहीं 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 जान, तुम अच्छी हो, मैं बेवकूफ हूँ। अब आपको तो पता है मैनेजर हूँ मैं, कितने सारे काम रहते मुझे, मैं इसलिए फोन नहीं लगा पाता। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। खाना, अब आपको क्या ही को समझ आएगा, मैं तो हूँ ही नहीं ना कुछ आपकी। जो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं निकाल सकता है, वहाँ गर्लफ्रेंड क्या एक्सपेक्ट करेगी शादी के बाद मुझे टाइम देगा? पर आप तो नहीं, आप तो रहने दो, ओके बाय। हेलो हेलो, सामान लेके नहीं आया हुआ है।
क्या कर रहे हैं आप लोग यार? सागर हम लोग फ्री है कि तो हम बैठे हुए देर से? सागर 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 छोटू जरा जल्दी कर भाई, जो भी करवा रहे सर का आड़ा लिखा कंप्लीट करो। जी मालिक। साले तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या हो गया? यहाँ कस्टमर परेशान हो रहा है और तू तेरी 12 बजा रहा है। मालिक एक कॉल आ गया था मालिक, अर्जेंट। तो तू इधर फोनबाजी करने आता है या काम करने आता है? नहीं 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 मालिक, फोन नहीं। पूरे 5 दिन की सैलरी कट, 5 दिन की सैलरी कट, निकल। सेठ जी 5 दिन का सैलरी कट जाएगा तो मेरे पास बच्चे का ज्यादा जीवन लड़ा रहा है, ज्यादा जीवन लड़ा रहा है। निकल निकल। हेलो। हाँ माँ बोल। मेरा बेटा कैसा है तू? सब बढ़िया चल रहा है ना? सब बढ़िया। काम से खुश है ना? हाँ। अरे माँ बहुत खुश हूँ। तेरे को पता है मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, मेरे को जरा सा भी काम नहीं करना पड़ता है, पूरा का पूरा काम सेठ लोग करते हैं, हमको तो बस खड़े रह के देखना पड़ता है। अरे वाह। और तू बता बाबूजी कैसे है, बहन कैसी है? अब क्या कहूँ, तेरे बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हॉस्पिटल में बहुत पैसे लगते हैं, मेरे पास जितने बचे थे वो सब के सब खत्म हो गए। घर खर्च, लोन, बहन की पढ़ाई, यह सब मुझे अकेले से नहीं हो पाता। तेरे पास कुछ पैसे हो तो भेज देना बेटा, घर खर्च पूरा खत्म हो गया। बाबूजी की दवाइयाँ भी लाना है। हाँ माँ, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। मैं तेको आज ही पैसे भिजवा दूंगा, मेरे सेठ जी बहुत अच्छे, मैं उनसे आज ही पैसे मांगूंगा और मैं तेको आज ही भिजवा दूंगा पैसे। बाबूजी की तबीयत का ध्यान रखो। माँ मैं फोन रखता हूँ। तू नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा ना तू? मालिक चल। नहीं 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 मालिक, नहीं मानेगा ना तू? मालिक चल। मालिक नहीं 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 उस्ताद, उस्ताद उस्ताद नहीं, उस्ताद उस्ताद नहीं। उस्ताद क्या हो गया? मैनेजर मैनेजर क्या हिसाब कर इसका, हिसाब कर इसका, भाग इसको यहां से। नहीं 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 उस्ताद, मालिक क्या इसका ऊपर से? अरे उस्ताद मैं कहां जाऊंगा समझो? मालिक निकल यहां से। मालिक 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 मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मालिक मालिक देख इसको, देख कैसा जा रही है ये, इसको सेटार गान पे लात मार के भगा दिया। हस हस हसना, अरे हसना हसना, तू हंसता क्यों नहीं? हसना साला तू कैसे हंसेगा? तेरे को मालूम है मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में हंसी क्यों नहीं है? मालूम क्या तेरे को नहीं मालूम। मैं बताता हूँ पूरा का पूरा, घर गृहस्थी, रिश्तेदार, इधर का कर्जा, उधर का कर्जा, इधर का लोन, उधर का लोन, बहन की शादी, माँ का मंगलसूत्र, बाप की दवाइया। साला आज घर में तेल नहीं है तो कल घर में तेल, आटा, दाल, शक्कर कुछ नहीं होगा अगर एक दिन मैं काम पे नहीं गया तो। मालूम क्या सपनों को साइड में रख के कैसे जिया जाता है ये हमसे पूछो। तेरे को मालूम
आज मेरी माँ का कॉल आया मेरे को, क्या बोलती बेटे काम काज कैसे चल रहा है, सब बढ़िया ना मस्त ना? अभी क्या बोलूं मैं उनको, है ये जेब में 500 रुपए रखे, 2000 के इधर की राखी खोली ले रखी, उसमें मुझे देना पड़ेंगे, कहां से लाऊंगा मैं? उधर अगर मेरे बाप को पैसे नहीं पहुंचाए ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, मालूम क्या साला, अक्का लाइफ साली, एक लड़की नहीं पड़ी अपने से, क्यों पड़ेगी? अबे क्यों पड़ेगी, अपने पास है ही क्या? ये साले फटे जूते हैं, ये 5 साल पुराना शर्ट, गाड़ी, अबे गाड़ी तो छोड़ साला, साइकिल अपने पास नहीं है, फिर भी पड़ गई, पता नहीं क्यों, अरे दया आ गई होगी ना हम पे, लेकिन एक बात बता दूं बॉस, प्यार करती है मुझसे एकदम दिल से, लेकिन साला तू है अपनी जिंदगी पर, तब भी तू है, दिन भर का 5 मिनट तक नहीं निकाल पाता हूं उसके लिए, क्यों निकालू, क्योंकि ये सब कुछ कर रहा हूं मैं उसी के, लेकिन वो नहीं समझती ना, वो नहीं समझती, लेकिन दोस्त सुन, अपन ना मिडिल क्लास है, जो साला ठान लेता है ना करके दिखाता है, अबे बड़ा आदमी बनने के लिए अपने पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये देख, ये अपने दोनों हाथ सही सलामत है, ये देख ये पैर सही सलामत है, ये इधर देख ये खोपड़ी, जितना इसका यूज करूंगा ना उतना पैसा बनेगा देखना, और अपन बना के ही रहेगा। अबे तेरे को एक बात बताऊं, मिडिल क्लास क्या है, जिस स्कूल में जिस बच्चे को स्कूल के बाहर बिठा के पढ़ाया लिखाया गया, उस बच्चे ने आज हमारे देश का संविधान लिख दिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मिडिल क्लास, सूरज के जैसा चमकना हो तो सूरज के जैसा चलना पड़ेगा, डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, मिडिल क्लास। और सुन, आज जो कुछ भी हुआ ना अपने साथ वो होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही चीज हमको सिखाती है, बड़ा बनो, बड़ा करो, बड़ा सोचो, और अपुन करके दिखाएगा, क्योंकि अपुन ने ठान लिया है कि अपुन छोटा छोटा आदमी नहीं बनेगा, अपुन गरीब पैदा हुआ है इसमें अपना कोई दोस्त नहीं है, ना नेवर, कभी नहीं, लेकिन अपुन गरीब मरेगा इसमें सबसे बड़ा दोस्त अपना ही रहेगा, इसलिए मैं गरीब मरूंगा नहीं, और देखना तुम भी यही हो ना, मैं भी यही रहूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम साला यहाँ पर खड़े होके अपन को सलामी ठोकेंगे और अपन तुमको देख के हंसेगा, समझा? अभी चलता हूँ, लेकिन मिलूंगा एक दिन, इसके लिए रेडी रहना।